हेलो दोस्तों, आपका SSBC क्लास में स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट फोर करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज के और लेक्चर अपलोडेड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर देखे हैं तो ऊपर दी गई हमारी जो आई बटन है उस पर जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। वो सारी हमारी प्लेलिस्ट बन रखी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थैंक यू। यदि वाई का 80% एक्स है, ठीक है, हमने बोला वाई का को हम गुणा बोलेंगे। 80% का मतलब होता है 8/10 क्या है, एक्स है, ठीक है। तो पूछ रहा क्या है, x का कितना परसेंट y होगा। पहले तो हम x अपॉन में y लिख देंगे। क्या लिखेंगे, y रहने देंगे x अपॉन में, ठीक है। क्या लिखा हमने, हमने बोला 8/10 तो हमारा यहाँ आ गया, और क्या आ गया, x अपॉन में y आ गया। ये काटा हमने, 2 × 8 और 2 × 5 = 10। अब क्या पूछ रहा है, x का कितना परसेंट y होगा, ठीक है, जिसका पूछा जाए, ठीक है, जिसका पूछा जाए उस नीचे लिखेंगे। किसका पूछा है, x का, ठीक है। तो x नीचे गया, क्या होगा, y होगा। x का कितना परसेंट y होगा, तो y क्या है हमारा, 5 है। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला 1/4 की वैल्यू होती है 25%। क्या होती है, 25%। तो हमने बोला 25 से बस किसकी गुणा करनी है, इस 5 की। तो 25 × 5 = 125। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5। कितना आ गया हमारा, 1/5। ये क्या है हमारा, ऑप्शन डी। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, हमने बोला x का को हमने गुणा बोला है 8% y के 4% के बराबर है, ठीक है। तो पूछा क्या है, x का 20% क्या होगा। देखो x का 20%, यहाँ पे अगर हम 20 बनाते तो y का 20 पर जो भी आंसर आएगा वो y का आ जाएगा। तो हम इसे काटते हैं, 4 × 2 = 8, ठीक है, इससे ही काट दिया। अब x का 20% बनाना है हमें आंसर में, तो यहाँ अगर हम 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 0 लग गया। तो क्या आ गया हमारा, ऑप्शन क्या आ गया हमारा, y के 10% के बराबर। y का 10% क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है, किसी संख्या का 20% 120 है। तो हमने बोला जो 20% है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 120 आ गई। तो क्या पूछा, उस संख्या का 120% निकालना है, मतलब इसका 120% निकालना है। अगर हमें इसे 120 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, हम यहाँ कर देंगे 6 से गुणा। अगर यहाँ 6 से गुणा करनी है तो हम दूसरी साइड भी किससे करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, 12 × 72, कितना आ गया हमारा आंसर, 720, ठीक है। क्या आ गया, 720। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। यदि x y से 25% छोटा है, ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। तो जो x है वो y से कितना परसेंट छोटा है, 25% छोटा है, तो 1/4 होता है। 4 में एक चीज कम हो जाएगी, कितना चीज कम हो जाएगी, 4 में एक चीज। अगर y हमारा 4 है, एक कम होएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, x से कितना अधिक होगा, ठीक है, x y जो है वो x से कितना अधिक होगा, ठीक है। y y कितना है हमारा, 4, वो x से कितना अधिक है, हमने बोला 1, किससे, x से। तो हम जो भी जिससे भी बोला जाता है उसे नीचे लिखते हैं, तो ये नीचे आ गया। 1/3 की वैल्यू क्या आती है हमारी, 33, सही, 1/3%। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए। हमने देखा 2/50 का कितना परसेंट होगा, तो हमने बोला जिस जो भी बोला जाता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जिसका परसेंटेज पूछा होता है, ठीक है, वो कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो काटेंगे 2 से, 1/25 आया, 1/25 कितना परसेंट होता है, ये होता है हमारा 4% होता है। कितना परसेंट होता है, ये हमारा 4% होता है। तो ये क्या है हमारा, ऑप्शन सी। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 होगा, ठीक है, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 होगा। तो 2/3 किसका पूछ रहा है, वो 1/3 का पूछ रहा है, ठीक है, 1/3 का पूछ रहा है। तो जिसका भी पूछ रहा होता है वो नीचे आता है, ठीक है। हमने इस 3 से 3 काटा, क्या आ गया, 2/1 आ गया, और परसेंटेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो क्या आ गया हमारा, 200% आ गया। कितना आ गया हमारा, 200% आ गया। m का 10% n के 20% के बराबर है। हमने क्या बोला, m का गुणा लिख दिया, 10% n के 20% के बराबर है, ठीक है। तो हमने परसेंटेज से परसेंटेज काटी, ये 0 से ये 0 काटी, m अपॉन में n क्या आ गया हमारा, 2/1 आ गया, एक नीचे आ गया। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ हमारा m अपॉन में n, तो क्या है हमारा, 2:1:2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखेंगे, आपको बताइए। 1/4, 1/4 को अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 25% लिखते हैं, और गुणा में क्या और करना है, 5 ऊपर और गुणा होनी है यहाँ, है ना। तो 5 ऊपर गुणा होनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 25 × 5 = 125। तो क्या लिखेंगे हम, 125%, ठीक है। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। हमने बोला क्या, 10,000
तैतीस सही 1/3% मतलब 33 सही 1/3% क्या होता है 1/3 होता है, कितना होता है 1/3 होता है। और क्या बोला है गुणा में 0.15%, क्या बोला है 0.15%। ठीक है, अब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100 आ जाता है। और यहाँ पे भी दो पॉइंट के बाद में है, कितने पॉइंट के बाद में है, ये दो दो संख्या के बाद में है, तो नीचे दो और आएगा तो कितने जीरो आ जाएंगे, दो तो ये आगे परसेंटेज के, ठीक है ये हमने हटाया, और दो कहाँ से आगे यहाँ से आगे, तो ये हटाया हमने तो दो और उतर आए। ठीक है, तो चार जीरो है, चार जीरो से चार जीरो कटे तो क्या आ गया हमारा, एक अपॉर्डर में तीन आ गया और गुणा में 15 आ गया, तो तीन से कटा तो क्या आ गया हमारा पांच, हमारा आंसर कितना आ गया पांच आ गया। x का 30% 72 है, ठीक है, मतलब 30% की वैल्यू क्या है हमारी 72 है, कितनी है 72 है, और पूछी क्या है हमारी, तो x का मान बताना है मतलब 100% बताना है। अगर हम इसे काटे तीन से तो क्या आएगा, तीन दुनी छह और तीन चौक 12, मतलब 10% की वैल्यू कितनी आएगी 24 आ गई। हमें क्या निकालनी है 100%, तो यहाँ एक जीरो ला देंगे और यहाँ भी एक जीरो ला देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 240। 300 का 25% का 20% कितना होगा, अब 300 का 25% क्या होता है, 300 का 25% मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, ये क्या है 5 चौक 20, ये क्या है 5 चौक 20, 20 से जीरो काटते हैं तो 100 है ये, 20 पंजे 100, तो 5 3 15, हमारा आंसर कितना आया है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 25/2 का एक्स परसेंट 150 है, 25/2 का को हम गुणा बोलते हैं, x परसेंट कितना है हमारा 150 है। ठीक है, तो पूछा क्या है x का मान पूछा, परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आता है बटे में हमारा 100 आता है। ठीक है, ये काटा 25 चौका 100 आया, 4 दुनी 8 आया, 8 की वहां गुणा होगी क्या आएगा 15 8 120। ठीक है, और एक जीरो यहां पहले से ही, तो क्या है हमारा आंसर है 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी का 50% क्यू के 25% के बराबर है, क्या बोल रहा है पी का 50% क्यू के 25% के बराबर है। ठीक है, जहां कहा बोला था वहां गुणा लिख दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कटा 25 दुनी 50, तो P अपॉन में Q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2 आ गई। आगे क्या पूछा है, P Q का X परसेंट है, P क्या है Q का X परसेंट है, तो P Q का X परसेंट है तो क्या हो गया हमारा P है Q का X परसेंट, तो 1/2 क्या होता है हमारा 50% होता है, क्या आ गया हमारा 50% हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A का 20% B के 50% के बराबर है, ए का 20% बी के 50% के बराबर है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये जीरो से ये जीरो कटी, तो क्या आ गया ए अपॉन में बी की वैल्यू क्या आ गई 5 यहां रह गया और 2 नीचे आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ है, ए का कितना प्रतिशत बी होगा। ठीक है, ए का कितना प्रतिशत बी होगा, तो जिसको जिसका पूछा होता है वो नीचे आता है, तो नीचे क्या आएगा हमारा 5 आएगा, और किसका पूछा है बी का पूछा है तो बी ऊपर आएगा। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, पहले हम 1/5 की लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20%, 20 में किसकी गुणा करनी है हमारी 2 की, हमने बोला 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20% होती है। ठीक है, और किसकी गुणा करनी है 2 की, तो 20 दुनी 40%, हमारा आंसर क्या आया 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस संख्या का 18%, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। ठीक है, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कटा, ठीक है, और क्या काटेंगे, काटेंगे 6 3 18, 6 2 12, 3 से ही काटेंगे तो 25 3 75, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50, 25 2 50, हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ गया 50। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। ठीक है, 100 का 90% क्या होता है, पहले हमने 100 का 90% क्या लिखा 90 ही होगा, से 40% कम है, कितनी कम है 40% कम है। इसका 40% कम का मतलब क्या होता है, 40% कम का मतलब होगा कि वो संख्या 60% होगी, कितने परसेंट होगी 60% होगी, परसेंटेज से 2 0 कटी, क्या आया 9 6 54 आया, कितना आया हमारा 54 आया, तो कौन सी संख्या हमारी 54। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। ठीक है, क्या बोला है 0.01, ठीक है, का कितना परसेंट होगा, मतलब 0.1 का कितना परसेंट। ठीक है, 0.1 जो भी पूछा जाता है उसको नीचे लिखते हैं, जैसे बोला 0.1 का कितना प्रतिशत, तो जिससे जिसका पूछा जाता है तो वो नीचे लिखते हैं, टोटल हो गया का कितना परसेंट 0.01 होगा, तो ये हमने ऊपर लिखा। ठीक है, और परसेंट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 100, क्योंकि ये परसेंट निकालना है, यहां से पॉइंट हटा तो नीचे कितनी जीरो आई 20 आई। ठीक है, 20 हम ऊपर से भी काट सकते थे, और यहां से पॉइंट हटा तो कितनी जीरो आई 10 आई, 20 से 20 कटी, कितना आ गया हमारा 10 आंसर आ गया, कितना आ गया 10, तो क्या आएगा 10%।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो जिसका पूछा जाता है जो टोटल होता है नीचे लिखते हैं, 2 किलोग्राम को अगर हम लिखें तो क्या होगा हमारा 2000 ग्राम लिखेंगे, कितने लिखेंगे 2000 ग्राम, और क्या हमारा 65 ग्राम है, कितना है 65 ग्राम है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारा 100 आएगा, ठीक है। 2 जीरो से हमारी क्या कटी, 2 जीरो कटी, और क्या कटेंगे 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, और क्या आएगा हमारा 5 एक 5 और 5 3 15, तो कितना है हमारा 13/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। 1% का आधा क्या होगा, 1% मतलब क्या होता है 1/100 का आधा, ठीक है। दशमलव में कैसे लिखेंगे, किसमें दशमलव में लिखेंगे, तो मुझे बताओ ये जब 1/2 को क्या लिखते हैं हम, 1/2 को लिखते हैं हम 0.5, क्या लिखते हैं 0.5, और अभी नीचे क्या है 100 है, कितना है अभी नीचे 100 है, तो मतलब पॉइंट और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये तो है ही, 2 पॉइंट और आगे बढ़ेंगे, 1 और 2, अब पॉइंट कहाँ आएगा हमारा यहाँ पे आएगा, तो क्या आएगा 0.005, ठीक है। 1.9 का कितना प्रतिशत, 1.14 होगा, ठीक है। तो जिसका पूछा जाता है कितना प्रतिशत उसे नीचे लिखते हैं, तो किसका पूछा था 1.9 का पूछा था, क्या पूछा था 1.14 है, ठीक है। 1.14 हमारा ऊपर आ गया 1.14, तो इतना परसेंट हो गया, तो हमारा ये परसेंटेज को करने के लिए हम 100 लाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगी, नीचे 2 जीरो आएगी तो उससे ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो आएगी मल्टीप्लाई में 1 जीरो आएगी, 19 से काटेंगे तो क्या आएगा 19 छक्का 114 आएगा, 6 से 10 गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.001 किसके बराबर है, क्या है 0.001 किसके बराबर है, अगर हम परसेंटेज में करें इसे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में हम 100 करते हैं, 100% करते हैं, ठीक है। अगर यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो कटने के लिए मतलब पॉइंट यहां पे आएगा, देखो 2 पहले आ जाएगा पॉइंट, अगर यहां 3 जीरो होगी तो सीधा हमारा क्या आता है यहां आता पॉइंट, लेकिन 2 जीरो है तो एक पॉइंट ये हटा, 1 जीरो ये हटी, 1 जीरो ये हटी, मतलब पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाता चले आएगा, ठीक है। तो पॉइंट कहां आएगा 1 आएगा, तो कितना है हमारा 1% आएगा, कितना आएगा हमारा 1% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 80 का कितना परसेंट 32 होगा, जितना भी बोला जाता है कितना परसेंट 32 होगा, तो हमारा 32 ऊपर लिख दिया, किसका पूछा है 80 का पूछा है, वो नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या आता है 100 आता है, फिर भी हम काट देते हैं, 8 चौक 32, 4 अपॉन में 10 आया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 की वैल्यू सीधा परसेंटेज में क्या होती है, ये होती है हमारी 40%, कितनी होती है हमारी 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए का 90% बी के 30% के बराबर है, क्या बोला है, ए का का को हम क्या बोलते हैं गुणा में बोलते हैं, 90% बी के 30% के बराबर है, तो परसेंटेज से हम परसेंटेज काटेंगे, 0 से 0 काटी और ये काटा 3 3 9, तो ए अपॉन में बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/3 आ गई, ये 3 नीचे आ गया हमारा। फिर पूछा क्या हमारा, फिर पूछा है हमारा ए का एक्स परसेंट, मतलब बी जो है ए का एक्स परसेंट है, क्या है बी ए का एक्स परसेंट है, बी हमारा ये आ गया, और किसका पूछा है ए का, तो अपॉन में 1 आ गया, तो 3 अपॉन में 1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100 आएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 300% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का 90% बी के 30% के बराबर है, हमने बोला ए का 90% बी के 30% के बराबर है, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंटेज कटी, 0 से 0 कटा, 3 3 9 आया, ठीक है। फिर क्या आया हमारा ए अपॉन में बी, यहां क्या आया 1 और ये क्या आ गया नीचे 3 आ गया। आगे क्या पूछा हुआ है, आगे बोला हुआ है बी ए का 2x% है, ठीक है। बी कितना हमारा ये लिखा ए का, ठीक है, ए कितना हमारा 1 है का 2x% है, 2x% को लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कट गया हमारा 2 पंजे 10 और 50 से गुणा हो गया किसकी 3 की, तो 5 3 15, कितना आ गया हमारा x की वैल्यू 150 आ गई, कितनी आ गई हमारी 150 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1206 का 1/3, 1206 पहले लिखा हमने, क्या 1/3 क्या होगा हमारा, इसे काटते हैं हम, 3 चौक 12, 3 2 6 मतलब 402। आगे क्या बोला है, 134 का कितना परसेंट है, किसका 134 का, तो 134 का पूछा है, तो 134 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा 402 आएगा, कितना आएगा 402 आएगा। हम यूनिट डिजिट से देखते हैं, ये यूनिट डिजिट होती है, इससे देखते हैं कितना मल्टीप्लाई है, 4 3 12, 3 से जा रहा है, मतलब 3 4 12 और 3 3 39 1 40, तो मतलब ये क्या है 3 आया। तो और परसेंटेज बनाने के लिए अगर मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, आप करो मत करो, आप सीधा सोच लो, तो क्या आएगा हमारा 300% आएगा, कितना आएगा हमारा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा, ठीक है। तो जो भी पूछा जाता है हमारा ऊपर आता है वो 72 ग्राम, 3.6 किलोग्राम का, तो टोटल हमारा नीचे आता है, 3.6 किलोग्राम का अगर हम ग्राम में लिखे तो क्या लिखे हम 3600 ग्राम, ये काटे हम 36 2 72, तो क्या आया 2 अपॉन में 100 आया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 आता परसेंटेज बनाने के लिए, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कटी, तो क्या आया हमारा 2% हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x का 125% 100 है, किसका x का 125% 100 है, तो हम सीधा 125% की वैल्यू क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो बाकी में क्या पूछा हुआ है कि भाई 100% बताना है। अब यहाँ पे हमें 100 लाना है, क्या लाना है, 100 लाना है, तो हम पहले से काटते हैं 25 पंजे 125 और 25 चुक्का 100, ठीक है। अब हमें यहाँ 5% की पे 100 लाना है, तो किससे गुणा करेंगे, हम 20 से गुणा करेंगे, तो 20 पंजे 100 100% यहाँ गया। अगर यहाँ 20 से गुणा है तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे, तो 20 चुक्का 80, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 80 आ गई, 80 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 के को गुणा में लिखेंगे 5/9 के 36%, यहां परसेंटेज लिख देते हैं, का 27% का 27% क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100 आएगा, इस परसेंटेज से तो 2 जीरो कट गई, ठीक है। और क्या आया, 9 पंजे 45 है, 5 आ गया। और क्या आया, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो कितनी जीरो आएगी, नीचे आएगी 100 जीरो आएगी। देखो 25 आया तो 25 क्या कटेगा, क्या 25 चौका 100 आया, 4 से कटा तो 4 लिंग 36 आया। और क्या हुआ, अब 9 से इसकी गुणा करनी है, तो 9 दुनी 18, पहले हम शुरुआत करेंगे, 9 दुनी 18 तो 180 आया, और 9 सत्ते 63 आया, तो 180 प्लस में 63 क्या होगा हमारा, 243, कितना आएगा 243, तो आंसर क्या हमारा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि x का 50% 30% y के है, ठीक है, x का 50% y के 30% के बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ क्या आ गया, x आ गया, y हमारा नीचे चले गया, ऊपर क्या आ गया हमारा 3 आ गया, और नीचे क्या आ गया हमारा 5 आ गया, और पूछा क्या हमारा x अपॉन में y पूछा है, तो क्या आ गया हमारा 3/5 आंसर आ गया।